हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो है आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड तीन चार जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आपका जो स्कॉलरशिप पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग एट द डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो उस चीज़ को कैसे यहाँ पे सॉल्व होना है और कब तक आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, अगर हम पहले यहाँ पे बात करें जो आपकी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, तो ये वाली प्रॉब्लम कि बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज़ इनवैलिड। तो देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट है, फाइनल सबमिशन भी कम्प्लीट दिखा रहा है, और इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड भी है, वेरीफाई बैंक से है, पर यहाँ पे क्या है, यूआईडी इज़ इनवैलिड। तो यूआईडी इज़ इनवैलिड का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये हुआ कि आपके बैंक से रिलेटेड जो आपका आधार कार्ड लगाया गया है वो वेरीफाई नहीं है, उसको उसकी आप जो यूआईडी होती है उसको आप दोबारा से वेरीफाई करवा लें। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको बता दें कि यूआईडी सही कराने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। जो भी जिस बैंक से आपका खाता है उस बैंक में आप जाइए और वहाँ से क्या करिए, आधार कार्ड लीजिए, अपना आधार कार्ड का जीरोक्स लीजिए और उसको ले जा करके वहाँ पे जमा कर दीजिए, तो आपका यूआईडी सही हो जाएगा। और जब देखिए आपका आधार कार्ड जब बैंक से जो है वेरीफाई हो जाएगा, तो आपका जो यहाँ पे यूआईडी इनवैलिड दिखा रहा है ये चीज़ नहीं दिखाएगा। तो आप इतना काम कर लीजिए। और देखिए, यहाँ पे पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो इसको भी बता दे रहे हैं, इस चीज़ को हम सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए, दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है आपके लिए कि यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड बाई इंस्टीट्यूशन बट नॉट फर्दर एक्शन टेकन बाई इंस्टीट्यूशन। देखिए, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके जो भी इंस्टीट्यूट हैं, जो भी आपके विद्यालय हैं, स्कूल हैं, उसमें आपने तो फॉर्म जमा किया, फॉर्म क्या किया आपने, जमा कर दिया, बट क्या हुआ यहाँ पे कि जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो आपका विद्यालय है, उसने क्या किया, फॉर्म को आगे नहीं भेजा, आगे उसने फॉरवर्ड नहीं किया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने कॉलेज में। तो कॉलेज जाइए, वहाँ से इस चीज़ को बताइए कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो लोग उसको वेरीफाई करेंगे। और देखिए, ये चीज़ आप करिए जल्दी ही, क्योंकि 18 तारीख तक आपका जो है यहाँ पे 18 फरवरी तक करेक्शन डेट यहाँ पे एक बार फिर से खोल दी गई है। तो आप इस चीज़ को कर लीजिए ताकि जो है इस 18 फरवरी से पहले आपका ये सारी चीज़ हो जाए। और देखिए, अगर ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व भी हो जाएगी, अब चलिए देखते हैं तीसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। देखिए, तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि IFSC कोड आइदर नॉट प्रेजेंट और करंटली इनएक्टिव इन द बैंक ब्रांच। देखिए, इसका मतलब हुआ कि आपने जो भी बैंक के जो भी खाते लगाए थे आपने इसमें स्कॉलरशिप में, उसमें क्या हुआ कि आपका जो IFSC कोड है वो मर्ज कर गया। मर्ज करने का मतलब ये हुआ कि यदि आपके दो तीन खाते खोले गए हैं आपके नाम से, तो क्या हुआ कि आपने बैंक मान लेते हैं आपने यूनियन का लगाया, यहाँ पे आपने यूनियन का यहाँ पे करवाया है इसमें, और क्या किया आपने कि IFSC कोड जो है यहाँ पे आपके खाते में क्या हो गया, यहाँ पे बड़ौदा का एक्टिव हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो इसको भी आप बैंक में जाइएगा तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सही कर सकते हैं आप। तो आशा करते हैं ये तीनों प्रॉब्लम आपने यहाँ पे देख लिया है। और देखिए, यहाँ पे अगर हम एक और यहाँ पे बात करें कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए आपका जो जो भी सारा चीज़ है प्रोसेस अकाउंट से तो वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी होता है उसके पास में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो अब वहाँ से कैसे वेरीफाई होगा, देखिए आपका जो अभी तो आपका इलेक्शन चल रहा है, तो आप ये मान के चलिए 10 मार्च तक यानी कि मार्च में आपका जो है स्कॉलरशिप आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि अभी इस टाइम क्या है, सारी चीज़ें बिजी चल रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो नहीं पा रहा, नहीं तो अभी क्या होता, जल्दी आ जाता, तो ये जो प्रॉब्लम है इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करते हैं जो वीडियो हमने बनाया था आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम थी यहाँ पे हमने बता दिया है। तो यदि इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके पास फेस हो रही है तो आप उसको सही कर लीजिए, और यदि और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और देखिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर, आप यदि पॉलिटेक्निक के छात्र हैं तो पॉलिटेक्निक की यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है, थर्ड सेमेस्टर हुआ, फोर्थ सेमेस्टर हुआ, या फिर फिफ्थ सेमेस्टर हुआ, सिक्स हुआ, सारे सेमेस्टर की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो उसके लिए आपके आखिरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।